मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय पर जिला सीईओ अवि प्रसाद के सरकारी निवास के सामने सड़क पर खोदे गए नाले की वजह से हाई स्कूल कलेक्टर कॉलोनी जाने वाली स्कूली छात्र छात्राओं को खासा परेशानी हो रही है, जहां पर स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ रहा है। साथ ही अन्य निवासी राहगीरों के लिए भी खुदा हुआ नाला परेशानी का सबब बना हुआ है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक और प्रदेश सरकार सब पड़े सब बड़े का नारा देती है, जब जिला सीईओ निवास के सामने खुदा हो बड़ा नाला, तो ऐसे में छात्र छात्राएं कह रहे हैं कैसे स्कूल चले हम। जब इस मामले की पूरी जानकारी प्रभारी मंत्री हर्ष यादव को दी गई, तो मंत्री यादव ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच करवाता हूं। आपका? रितिका शर्मा। रितिका जी, ये जो सड़क, आप कहां से स्कूल आते हैं? हम मोहनिया केड़ी से आते हैं। तो ये जो सड़क खोद दी गई, आपका कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? हमें यहाँ बड़ा नाला है, उससे आने में दिक्कत पड़ती, तो हम घूम कर आते हैंगे और क्या। अभी ये सड़क खोद दी गई, इससे कितनी परेशानी हो रही है? हमें बहुत परेशानी हो रही है कि घूम कर आते, इतनी दूर से आते हैंगे और साइकिल भी खुद जाती है। तो क्या जिस सड़क से अभी आप आ रहे हो, हाँ, इसमें कीचड़ है क्या? हाँ। और पहले जो सड़क जो खुदी पड़ी है, वो उसमें कीचड़ नहीं होती थी? नहीं। लाल साहब साहू, मैं मांगनी से आता हूँ, तो मुझे आने में ये स्कूल के पास नाल रोड खुदा गया, उसमें तकलीफ होती है, इसलिए वो रोड पे और कीचड़ भी हो रही है। वहाँ से आता हूँ मैं, तो मेरे को ड्रेस मिले सब गंदी हो जाती, साइकिल लिपट जाती और मैं गिर भी जाता हूँ, मेरे बैग लिपट जाता, और फिर मेरे को स्कूल में आने में सर धुलने में सर बहुत मतलब कि गीला सा हो जाता है। क्या नाम है आपका? लाल साहब साहू। कलेक्ट्रेट कॉलोनी हाई स्कूल में जो मुख्य सड़क थी, इसको खोद दिया गया है, अब कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और बच्चे कहाँ से निकल कर आ रहे हैं? ये आजू बाजू के जो रोड हैं उनसे निकल के आ रहे हैं, वैसे सीधे आते थे बच्चे तो आने जाने में सुविधा रहती थी, अभी जिन रोडों से आते हैं उनमें कीचड़ है। कीचड़ है। कितने बच्चे हैं आपके इस विद्यालय में? 417 बच्चे हैं, 1 से लेकर 10 तक। 417 बच्चे इस विद्यालय में आते हैं पढ़ने, उसके बाद भी सड़क को खोद दिया गया? अब ये इसकी जानकारी नहीं क्यों खोदा गया है, क्या है, खुदी हुई अपन को ये सड़क दिखती है क्या, खुदी पड़ी सड़क। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामप्रकाश राजपूत, प्रभारी प्राचार्य हाई स्कूल कलेक्ट्रेट कॉलोनी। किस गांव की जानकारी? रायसेन कलेक्ट्रेट कॉलोनी वार्ड नंबर 4 कलेक्ट्रेट कॉलोनी स्कूल की है। जो सड़क पिछले 25 सालों से बनी थी, इतने सीओ आके रह गए, किसी ने सड़क नहीं खोदी। आपके इन मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ना बच्चों का भविष्य देखा ना कॉलोनी वालों का देखा, वो पूरी सड़क खोद दी। आप जाके देखेंगे मौके पर? बिल्कुल, मैं देखूंगा भी, और यदि कहीं ना कहीं अधिकारी ने गलती की है तो उसके लिए जो है उनको निर्देशित भी किया जाएगा, समझाइश भी दी जाएगी। इस तरह की व्यवस्था जो है नहीं हो, हमारा प्रयास है कि सरकार हमारी आपकी है, और कहीं ना कहीं यदि अधिकारी ऐसे कामों में रूढ़ा बनेंगे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।